Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine. So let's discuss the निफ्टी फर्स्ट, राइट? सो अगर आप देख सकते हो कि निफ्टी में एक बड़ा सा सेलिंग आया था, देन उसके बाद काफी दिन अप गया, फिर आज 3 दिन से एक रेंज में था, और आज कहीं ना कहीं एक इंट्राडे में सेलिंग है और वापस क्लोजिंग कहीं ना कहीं ऊपर की साइड दिया है, राइट? सो लेट सी द स्मॉलर टर्म टाइम फ्रेम। तो एक ये सेलिंग आया था और फिर उसके बाद इसको ब्रेकआउट किया, राइट? तो कहीं ना कहीं ये एक जोन है जहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे बाजार एक पुलबैक ले सकता है, राइट? सो मैंने आई थिंक कल ही वीडियो में डिस्कस किया था कि मार्केट अगर ये ब्रेक डाउन करता है तो यहाँ पे कहीं पे आ सकता है। तो आज अगर देखेंगे तो यही एक एरिया में बाजार ने लो बनाया, राइट? सो अगर मान लो इसके नीचे 21,500 के नीचे स्पॉट में वॉल्यूम के साथ बाजार ब्रेक डाउन करता है तो बाजार में एक वीकनेस आ सकता है, जो वीकनेस आपको कहीं ना कहीं 21,300 या 200 के आसपास तक दिख सकता है, राइट? सो बट उसके लिए कंफर्मेशन क्या है? दिस इज अ फर्स्ट राउंड ऑफ सेलिंग, वी नीड अ सेकंड राउंड ऑफ सेलिंग, राइट? अदरवाइज अगेन दिस कैन बी लाइक दिस, राइट? दिस कैन बी लाइक दिस। सो द पॉइंट इज वी नीड टू सी द फॉल ऑफ सेलिंग, राइट? वी आर नॉट सीइंग। सो यहाँ पे एक सेलिंग आया है, अब हमें ऑब्जर्व करना है कि क्या इसके नीचे भी और सेलिंग आता है, राइट? सो प्लीज ध्यान रखिए 21,500 मोटा मोटी आप ये जोन है, इसके नीचे वॉल्यूम के साथ सेलिंग आके टिके तो देन देयर इज इश्यू। सेकंड सिनेरियो इज मान लो यहाँ पे कहीं पे बाजार एक कंसोलिडेशन करता है, फिर बाजार ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो यू कैन लुक फॉर अ लॉन्ग पोजिशन, राइट? सो बेसिकली 21,730-750 के वो सस्टेन रहता है, तो अगेन मार्केट कैन गो टुवर्ड्स अ न्यू हाई, राइट? So let's see next few days how market is going through, right? So weekly भी देखेंगे अगर आप तो बाजार यहाँ पे ब्रेकआउट आया एंड ऑलमोस्ट मेनी वीक्स मार्केट इज इन अप ट्रेंड, राइट? बट लास्ट आई थिंक 2-3 हफ्ते से देखेंगे तो ऑलमोस्ट जो ये रेंज था उसके आसपास ही ट्रेड कर रहा है। तो वी नीड टू ऑब्जर्व दैट हाउ मार्केट गोज फ्रॉम हियर, राइट? सेम वे अगर बैंक निफ्टी देखेंगे तो बैंक निफ्टी इज मोर वीक देन निफ्टी एज ऑफ नाउ, राइट? तो अगर मान लो यहां से वीकनेस आती है तो हमें ऑब्जर्व करना है कि बैंक निफ्टी में कितना वीकनेस आता है। तो बैंक निफ्टी में एक ये जोन है जिसको हमें ध्यान रखना चाहिए, स्पॉट में 350 to 500 आप पकड़ लो मोटा मोटी, राइट? तो इसके आसपास बाजार कैसे रिएक्ट करता है जो ये सेलिंग आया है, अगर आप स्मॉलर टर्म टाइम फ्रेम में देखेंगे तो ये यहाँ पे आया, फिर उसके बाद फॉल अप गया, फिर यहाँ पे एक जो पहला बड़ा सा एक आप इससे तो एक सेलिंग देखने को मिला। मान लो बाजार कहीं ना कहीं यहाँ पे आता है ये जोन में, और यहाँ पे कहीं पे आने के बाद फिर एक बाउंस करता है, और मान लो यहाँ तक ही बाउंस होता है फिर ब्रेक डाउन होता है, तो देट विल ब्रिंग अ वीकनेस इन टू द बैंकिंग सेक्टर, राइट? सो अपने को ये ऑब्जर्व करना है कि बाजार यहाँ पे वीकनेस आके फिर यहाँ पे कैसे सस्टेन करता है। या पकड़ लो जोन है 500, 350 to almost 600 का, राइट? ये जोन में आके यहाँ पे कहीं पे सस्टेन होकर फिर ऊपर जाता है तो वी कैन लुक फॉर लॉन्ग अपॉर्चुनिटी, राइट? एंड दूसरा एक एरिया है, मान लो बाजार यहाँ पे ही रहता है और बाजार इसके ऊपर ये जो बड़ा सा सेलिंग आपको यहाँ पे दिख रहा है इसके ऊपर मान लो सस्टेन चला जाता है 48,200 मान लो यहाँ पे कहीं पे, तो यू कैन लुक फॉर अ लॉन्ग अपॉर्चुनिटी जहाँ पे लो रिस्क अपॉर्चुनिटी मिलेगा, राइट? सो आई होप यू आर क्लियर दैट अगर डेली में देखेंगे तो लास्ट 4 डेज से बैंक निफ्टी इज गोइंग कंटिन्यूअसली डाउन, बट स्मॉल रेंज, आज थोड़ा रेंज बड़ा किया, राइट? तो सेम वे अगर आप स्मॉल कैप में भी देखेंगे, आज स्मॉल कैप में भी इंट्राडे में सेलिंग आया था, फिर कहीं ना कहीं वो सेलिंग को रिकवर किया जहां से फॉल हुआ था। ये एक जोन है, इसके नीचे अगर बाजार सस्टेन करता है तो मार्केट कैन गोज टूवर्ड 40,000, राइट? सो लेट्स लुक एट द स्मॉलर टर्म टाइम फ्रेम। तो अगर आप देखेंगे एक सेलिंग आया है यहाँ पे और फिर उसके बाद पुशबैक आया, तो एक फर्दर सेलिंग अगर आता है यहाँ के नीचे तो मोर वीकनेस वी कैन सी अक्रॉस द स्मॉल कैप एंड माइक्रो कैप, राइट? सो बट देयर इज नो कंक्लूजन एज ऑफ नाउ इन अ स्मॉलर टाइम फ्रेम। सो लेट्स सी नेक्स्ट टुमारो या नेक्स्ट फ्यू डेज क्या बाजार में फिर से फॉल ऑफ सेलिंग आता है या नहीं आता है, राइट? सो लेट्स हाउ वी शुड आई थिंक अप्रोच द मार्केट, क्योंकि यहाँ पे जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था वो कहीं ना कहीं सपोर्ट का काम किया, तो बाजार इसके नीचे जाएगा तो देन देयर विल बी अ मोर सेलिंग, राइट? बट वो अभी तक अपने पास सिनेरियो नहीं है। सेम वे फिन निफ्टी भी अगर ऑब्जर्व करेंगे, फिन निफ्टी में भी देखेंगे सेम बैंक निफ्टी की तरह लास्ट 4 डेज से कंटिन्यूस नए लो बन रहा है, ये एक सेलिंग आया था उसके बाद एक बाइंग आया,
सो कहीं ना कहीं आप ये एक जोन है फिन निफ्टी में, अपने को ध्यान रखना चाहिए। अगर इसको बाजार वायोलेट करता है देन देर कैन बी अ गुड सेलिंग अक्रॉस द मार्केट। तो ये जो रिसेंट जोन है आप पकड़ लो, आप फ्यूचर में 21,300 से 21,200 का ये जोन है, मान लो यहाँ पे कहीं पे एक सस्टेन था, फिर ऊपर जाता है तो देर विल बी लॉन्ग अपॉर्चुनिटी। बट दूसरा सीनारियो कि इसके नीचे ही चला जाता है और वॉल्यूम के साथ सस्टेन रहता है 21,200 के आसपास, फिर ब्रेकडाउन आता है तो वी कैन लुक फॉर एग्रेसिवली सेलिंग, राइट? बट देर इज नो सीनारियो लाइक दैट। सो लेट्स सी टुमारो, क्या बाजार यहाँ पे आता है, फिर सस्टेन करता है, फिर ऊपर जाता है तो वी कैन लुक फॉर लॉन्ग पोजिशन, राइट? बट उसके नीचे जाएगा सस्टेन करके तो फिर हमें सेलिंग के बारे में सोचना चाहिए। या सो आई होप यू ऑल आर अलाइनिंग योर सेल्फ विद द मार्केट, एंड एवरी डे ट्रेड करना जरूरी नहीं है, और जब तक विनिंग पोजिशंस होल्ड है तो वाई टू डू द लॉट ऑफ ट्रेड्स, राइट? सो ऑलवेज रिमेंबर दैट ऑलवेज फ्यू इज मोर, राइट? सो फोकस ऑन गुड क्वालिटी ट्रेड्स, फोकस ऑन गुड रिस्क रिवॉर्ड, एंड दैट्स इट। एंड यू हैव टू कीप रिपीटिंग दिस अगेन एंड अगेन इन टू द मार्केट, राइट? सो थैंक यू सो मच, एंड सी यू ऑल अगेन टूमोरो।